Assalamualaikum, welcome to our mommy's kitchen. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम बना रहे हैं चिकन पैटी बर्गर. बड़ा इजी सा है, क्विक सा है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. उसके लिए हमें चाहिए चिकन का कीमा है हमारे पास, ये आधा किलो 500 ग्राम है. 3 अदद ब्रेड के स्लाइस लेने, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छी तरह मैश करना है. दूध की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो टिक्की नहीं बन पाएगी. लेकिन आपने इसको दूध डालना भी है और बहुत ज्यादा भी नहीं डालना, उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है जो एक्सेस दूध होगा अगर डल जाएगा अच्छी से. ये लहसुन पेस्ट है 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट है, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टेबलस्पून हमारे पास मक्खन है, ये नूरपुर वाला मक्खन है सॉल्टेड जो, 1 टेबलस्पून हमारे पास वूस्टर सॉस है, 1 अदद अंडा है, 12 अदद हरी मिर्ची है, हरी मिर्चों को चॉप कर लेना है, 1 छोटी प्याज है इसको भी चॉप कर लेना है, और ये हमारे बन है नॉन के, इनको आपने इसमें बनाना है टिक्की बना के. हम उसको फ्राई करेंगे, फिर बन में हम मेयोनीज लगाएंगे और उसको तैयार करेंगे. तो चले चल के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कीमा शामिल करेंगे. चिकन का कीमा है ये 1/2 किलो. ये स्लाइसेस हैं ब्रेड स्लाइस. दूध डालना है और उसको अच्छी तरह ना मैश कर लेना है, और दूध जो एक्सेस होगा उसको निचोड़ देना है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक्सेस, वरना ये बनाने मुश्किल होगी. ये मक्खन है मैंने मेल्ट कर लिया, ये 1 टेबलस्पून है हमारे पास, 1 अदद हमारे पास अंडा है, 12 अदद हमारे पास मिर्ची है जिसको हमने चॉप किया हुआ है, 1 टेबलस्पून हमारे पास वूस्टर सॉस है, 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास मस्टर्ड पेस्ट है. अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो. वन फोर्थ टीस्पून हमारे पास लहसुन है, और ज्यादा लहसुन नहीं डालना उसको बहुत अजीब सी स्मेल आता है. और ये हमारे पास 1 अदद छोटी प्याज है, इसको चॉप कर लें चॉपर में कर लें या हाथ से. अब इन सब चीजों को हम मिक्स करेंगे और मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे. गर्मियों में बना रहे होंगे तो थोड़ा ज्यादा देर के लिए फ्रीजर में रखना होगा, सर्दियों में तो ठीक रहता है, ताकि ये सेट हो जाए और टिक्की बनाने में आसानी हो. सारी चीजों को हमने डाल लिया, अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे. मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए ताकि हर चीज का फ्लेवर एक जैसा आए. बहुत जबरदस्त किस्म की ये चिकन पैटी बनती है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा. इसी फीलिंग से हम और बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो हम आपको वक्तन फौरन सिखाते रहेंगे, तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है. तो जरूर ट्राई कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. कोई क्वेश्चन होता है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं. सब्सक्राइब करते हैं तो साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाए. ये देखें, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसकी टिक्की बननी मुश्किल होगी. इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में या फ्रीजर में रख देंगे तो ये फिलिंग ठहर जाएगी. ये मिक्सिंग हो गई है बहुत अच्छी तरह, अब इसको हम थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करेंगे और फिर आपको बर्गर बना देंगे. ये फिलिंग हमने जो प्रिपेयर की है वो उसकी टिक्की फ्राई कर रहे हैं, हम आपको फिर उसका बर्गर बना देंगे.
चीज स्लाइस रखना चाहें चीज स्लाइस रख लें, साथ में सैलेड लोग डालना पसंद करते हैं तो सैलेड डाल लें। अब इसको हमने, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया, इसको हम हल्का सा तवे पे सेक लेंगे। हल्का सा आपने तवे पे ऑयल डालना है ताकि बर्गर अच्छी तरह सही से कलर आ जाए उसका। ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।